नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कुछ एक गलतियां होती हैं जो कि हम जाने अनजाने में करते हैं और जिसके कारण हम पूरा जीवन अपना बिल्कुल परेशानियों से घेर लेते हैं। हमारी जो आने वाली संतानें होती हैं उसका अशुभ परिणाम उन्हें भी मिलता है। तो कौन कौन सी परेशानियां हैं जिन्हें हमें नहीं करनी होती हैं, और हम यदि कुछ एक नियम बना के चलते हैं अपने जीवन में, एक प्रकार का आप संकल्प लेके चलते हैं, तो हम तो सुख भोगते ही हैं, उसका पुण्य लाभ लेते हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली संतानें हैं उन्हें भी उस पुण्य का लाभ मिलता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं हमें ध्यान रखना है, कौन से संकल्प हैं, कौन से नियम हैं जो कि हमें हमेशा बना के कर चलना है, आइए हम जानते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज चैनल को सब लाइक जरूर किया करें। आपके एक लाइक से बहुत सारा उत्साह और आपका बहुत सारा प्यार हमें मिलता है। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार कुछ एक चीजें आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इन चीजों को आपको समय समय पर ध्यान देना चाहिए। क्या चीजें वो है, एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहली गलती तो हम करते हैं कि हमारे घर में मकड़ी, जाले आदि लगे रहते हैं। आप सभी ने देखा है कि जब भी दीपावली आती है, जब भी अमावस्या आती है, तो हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। तो नियम से आपको अपनी साफ सफाई जरूर करते रहना है। खास तौर से आपको अमावस्या तिथि पर और शनिवार के दिन अपने घर के जाले, मकड़ी आदि हटा के रखना है। जिस घर में मकड़ी के जाले रहते हैं उनमें माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। उनसे जो तरंगे निकलती हैं वह आपके लिए गरीबी का कारण बनती हैं। तो इसलिए आपके घर में मकड़ी के जाले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार से आपके घर के आसपास या फिर कहीं भी आपको ध्यान देना है, मधुमक्खी के छत्ते, आपने देखा होगा कि मधुमक्खी के छत्ते जिसमें शहद इकट्ठा होता है, शहद तो हमारे लिए अच्छा होता है, शहद का सेवन करने से हमारे शरीर के बहुत सारे रोग दूर होते हैं और हमारे मंगल ग्रह, यदि हम ग्रहों की बात करें तो मंगल हमारा बैलेंस होता है, सूर्य हमारा मजबूत होता है शहद सुबह सवेरे निहार भू चाटने से। लेकिन वह मधुमक्खी का छत्ता जहां पर इकट्ठा होता है यानी कि शहद, वो हमारे लिए शुभ नहीं होता है। तो इसलिए यदि मधुमक्खी का छत्ता आपके आसपास है तो उसे हटवाने का प्रयास करें, उसे बड़ा ना होने दें, ठीक है। वहीं पर यदि ततैया, जिसे जो है हमारे यहाँ पे तो बर्रे बोलते हैं, आप लोग क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, ततैया का छत्ता भी नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ मनुष्य रहते हैं वहां पर सिर्फ देवी देवता और मनुष्य ही रहना चाहिए। कीड़े मकोड़े, जाले आदि आपको नहीं रखने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जहां पर नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जहां भूत प्रेत का वास होता है, वहां पर ये सभी चीजें आती हैं। आपने देखा कि जो घर खाली पड़े होते हैं, आपने भूतिया पिक्चर देखी होगी जो भी, तो उसमें जाले, मकड़ी, तरह तरह के जीव जंतु निवास करने लगते हैं। इसी वजह से जब भी ग्रह प्रवेश होता है तो आपने देखा होगा वास्तु पूजन होता है, जो कि इन जीव जंतुओं के नष्ट होने के उपरांत ये किया जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। उसी प्रकार से आपको यदि मनुष्य जीवन मिला है तो सूर्य दर्शन, सूर्य उपासना जरूर करना चाहिए। सूर्य देव ग्रहों के राजा माने जाते हैं और सूर्य हमारी आत्मा के कारक भी होते हैं। हमारे मान सम्मान में यदि कहीं कमी आ रही है, उसका अर्थ है कि आपका सूर्य अच्छा नहीं है। उसे अच्छा करने के लिए प्रतिदिन आपको सूर्य का जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने में आपको लाल रंग के चंदन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे आपके बर्थ चार्ट में सूर्य अच्छा होता है और आपको सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली महत्वपूर्ण बात कि जब भी पूर्णिमा तिथि आती है या फिर अमावस्या तिथि आती है, हर पूर्णिमा हर अमावस्या पर आपको अपने घर से एक थाली भोजन जरूर निकालना चाहिए। अब पका हुआ भोजन है या कच्चा है आपके ऊपर निर्भर करता है। कच्चा भोजन यदि आप निकालते हैं तो आप मंदिर में दे के आए किसी पुरोहित को, किसी पंडित को, किसी गरीब को, किसी को भी आपकी कमाई का कुछ हिस्सा भोजन के लिए दान जरूर करना चाहिए। और समय समय पर आप
ब्राह्मणों को भोजन, गरीबों को भोजन यदि दान कर सके अधिक मात्रा में तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, इतना आप अधिक नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एक इंसान के पर पेट भोजन की व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए। यदि रसोई का पका हुआ भोजन है तो अति उत्तम माना जाता है। ये आप करके देखें, आपको जादू की तरह इसका प्रभाव मिलेगा। आपको जैसे कहते हैं ना कि जादुई प्रभाव, तो जादुई प्रभाव इसका होता है। यदि आप अमावस्या और पूर्णिमा एक वर्ष तक आप कर ले जाएं, एक वर्ष तक आप संकल्प बना ले कि हमें कुछ भी हो जाए एक मनुष्य को भोजन कराना ही कराना है, तो आप ये करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगली महत्वपूर्ण बात है कि आपको नवरात्रों में देवी दुर्गा की आराधना जरूर करनी चाहिए। जैसे कि नवरात्रि एक वर्ष में चार बारी आती है, 6 महीने पे और फिर 6 महीने पे, यानी कि क्वार की शारदीय नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि और माघ के महीने में भी नवरात्रि आती है। इस तरह से 4 नवरात्रियां आती हैं। इन नवरात्रों में यदि आप कन्या भोजन कराते हैं, तो जो कन्याएं होती हैं, छोटी छोटी कन्याएं, उन्हें हम कुछ भोजन, कुछ उपहार, उन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप समझते हैं, तो आप कन्याओं का आदर करना शुरू कर दें और कन्याओं को कुछ उपहार, चाहे खट्टी मीठी टॉफियां दे दें, आप उन्हें कुछ पढ़ाई की पुस्तकें दे दें, उन्हें समय समय पर, यदि आप महीने की अष्टमी तिथि होती है उस पे आप करते हैं, या दिन की बात हम करें तो हर बुधवार को आप कर सकते हैं या फिर नवरात्रों में कर सकते हैं, आप कभी भी करें। नवरात्रि का ध्यान आपको नहीं रहता है, वैसे तो नवरात्रि जो आती बासंतिक और शारदीय नवरात्रि, ये तो बहुचर्चित है, सभी को पता हो जाता है। इन दिनों में आपको माँ दुर्गा के इस तरह से छोटे स्वरूप का जरूर पूजन करना चाहिए, इससे आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है और आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। दोस्तों ये छोटे छोटे आपको उपाय कहने में लगते हैं, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे राजा महाराजा थे, इन्हें अपने दिनचर्या में शामिल करते थे। अभी हम प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो इसे उपाय का रूप दे देते हैं और उपाय के लिए फिर हम बाध्य हो जाते हैं, हम संकल्प ले लेते हैं। अगर इन सभी नियमों का पालन आप अपने जीवन में करते हैं तो आपकी आने वाली संतानें इसका सुख भोगती हैं, आपको तो इसका लाभ मिलना ही मिलना है। तो आप ये सारे नियम आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा और बिल्कुल मैजिक हो जाएगा, जैसे आप कहते हैं ना कि मैजिक। और अपने माता पिता का आदर करना ना भूले। देखिए आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, सूर्य को जल दे लीजिए, गरीबों को भोजन करा लीजिए, लेकिन यदि आपने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, उन्हें सम्मान नहीं दिया, उनकी सेवा नहीं की, तो आपका सब व्यर्थ है। तो इसलिए सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करें। आपको कोई भी कार्य करना है, अपने घर से शुरुआत करना है। साफ सफाई करनी है, सबसे आप पहले अपने मंदिर की सफाई करें, अपने घर की सफाई करें, अपने दरवाजे की सफाई करें, उसके बाद आप गली मोहल्ले, इस तरह से हर जगह सार्वजनिक रूप से भी आपको सफाई का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने अपना घर चमका लिया और उसके बाद आप निकल पड़े, ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। आप चाहे गंगा स्नान के लिए गए हैं वहां पर, आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए हैं, मंदिर में, पार्क में, हर जगह सफाई का आपको ध्यान रखना है, तभी उसका प्रभाव आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको अपने माता पिता का आदर करना है, उन्हें चरण स्पर्श करना है, उनका समय समय पर प्रतिदिन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने नियम में अपनाएं और उनकी सेवा, उनकी जरूरतों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे, गरीबी का शिकार नहीं होंगे, दुर्भाग्य आपसे दूर दूर तक कभी नाता नहीं रखेगा, सौभाग्य की प्राप्ति आपको सदियों होती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी, हमारा सुझाव आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें, और आने वाले दिनों में आपको यदि ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी। Yeah.